सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ स्नेहा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा होम किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी, तो मैंने एक अच्छी ताज़ा लौकी ले ली है और इसके हल्के छिलके उतार दिए हैं। ज़्यादा छिलके उतारने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लौकी बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही अच्छी थी। मैंने इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। फिर इसके बाद इसे निचोड़ते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इसे ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना है, कुछ मॉइस्चर इसमें रहने देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन आप आपके आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो, जैसे डो लगाने में आपको जैसे सेफ्टी हो आप वैसा डाल दे, बाकी ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। इसके बाद इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, सौंफ और थोड़ा सा अजवाइन, जिसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अजवाइन को अब हमने डाल दिया है। इसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से इसका डो लगा देंगे जिससे कोफ्ते बन सके। एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें हमने कोफ्ते डाल दिए हैं। इनको उलटते पुलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। इसके बाद मैंने एक जार में प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और एक टमाटर को पीस लिया है। एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसमें दो लौंग और बड़ी इलायची, राई, जीरा सौंफ डाल दिया है। इसके बाद जो पेस्ट था इसे डाल देंगे। अब पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन दूर ना हो। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो। कुछ देर बाद इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम उबाल लेंगे। अच्छे से उबालने के बाद इसमें हम छोड़ देंगे लौकी के कोफ्ते। इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए वैसी ना हो जाए। इसके बाद इसमें हम हरा धनिया काट कर डाल देंगे। हमारी सब्जी बनकर रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने थे। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी सब्जी रेडी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।